चोरी और लूट की घटना में वांछित चार अभियुक्तों को गुलहरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सुदामा सिंह पुत्र रंगीला सिंह, अभिषेक पुत्र बुद्ध भगवान सिंह, राजन रावत पुत्र विजय रावत तथा सोमनाथ पुत्र स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि कुछ दिन पहले संगम चौराहे के पास जो बुजुर्ग महिला से 20,000 रुपये की लूट हुई थी, हम लोगों द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा इन लोगों ने अन्य घटनाओं में शामिल होने की बात को स्वीकार किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। ब्राइज की है और ब्राइज वाले में जो सुनार है उसको बताया कि भाई वहाँ पे जाके बेचते थे, दो दो जो चेन स्टिचिंग की गई थी इनके द्वारा। तो उस टाइम में कौन कौन थे? ये लूट के मुकदमे, इसमें चार मुकदमे और 17 गैंग के ऊपर। ये सुदामा राजा रेकी करते हैं, और राजन भी रेकी करता है। बताओ अभिषेक कैसे किया? अभिषेक बताओ, अभिषेक बताओ। सर बैंक के पास सागर से बताया। क्या बताया? सर उसके पास पैसे। कैसे बैंक से निकलते देखा तुमने? जी सर। और क्या, और कब, और चेन स्नैचिंग वाले में? सर हम पंजाब। चेन कहाँ पे बेचते थे तुम जाके? सर सुना के दुकान पे। किस शॉप पे? सोना था सर, गोविंद सिपाइज में है। बताओ पूरा पूरा, बताओ डिटेल बताओ। सोना से सर्राफ है ना? नहीं नहीं, किसका बताया? जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं और कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दो अभियुक्त और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके कहने के अनुसार जब ये जो शहर में जो आउटर का एरिया है वहाँ पे चेन स्नैचिंग करते हैं, गोरखनाथ थाना क्षेत्र गुलरिया और उससे जो सटा हुआ एरिया है पादरी बाजार चौकी के आसपास का, साथ ही साथ पिपराइच में भी इन्होंने दो चेन स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा ये लूट की घटनाएं जो कुछ दिनों पहले 20,000 रुपये की लूट एक बुजुर्ग महिला दंपत्ति से हुई थी, उसमें भी ये लोग शामिल थे और जिस वाहन से इन्होंने ये लूट की घटना को अंजाम दिया था वो भी बरामद कर ली गई है, और साथ ही कुछ पैसे जो लूट में इनको मिले थे वो भी बरामद किए गए हैं। एक सर्राफ सुनार का नाम लिया है, उसको जाके ये चेन जो है उसको बेचते थे और पुलिस के द्वारा उसको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। हाँ, इनमें जो अभिषेक है वो इसका सरगना टाइप का है और उसके ऊपर 2017 के और पहले के काफ़ी चेन स्नैचिंग के और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। क्या करते हैं ये? इनमें से कोई इस तरह का कुछ काम नहीं करते हैं, और इसमें जो एक है वो उसकी छोटी पान की दुकान है, और दिन भर ये केवल रेकी करना और किन कौन लोग बैंक में जा रहे हैं और कौन किस तरह के लोग बैंक से बाहर निकल रहे हैं उनकी रेकी करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है उसको लूट की योजना को अपना अंजाम देते हैं।